हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, मुझे अश्योर करो आपने कि इससे पहले वाला जो बेसिक का वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, वो आप सबने देखा होगा, है ना। अगर वो वीडियो आप सबने देखा होगा तो आपको इनमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और अमाउंट का फॉर्मूला, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 96,000। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहली कंडीशन, है ना। ऑन रुपीज 96,000, 96,000 क्या है, प्रिंसिपल हो गया, सॉरी 9600 है, सॉरी। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपका 9600 है। कब से कब तक, ये 15 अक्टूबर 2001 से 9th मार्च 2002 तक। ये क्या है, टाइम है। देखो अब इसमें डेज इंक्लूड हो गए, डेज इंक्लूड हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% PA लिखा हुआ है ना। PA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, PA मीन्स फॉर पर एनम। पर एनम मतलब साल में एक बार, पर एनम है ना, पर एनम मतलब साल में एक बार। HY हाफ ईयरली लिख के आएगा तो साल में दो बार, क्वार्टरली आया तो साल में चार बार। अभी आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली नहीं है, आपको PA है, पर एनम मतलब साल में एक बार। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल है 9600, रेट है 15%, टाइम आप कैलकुलेट कर लो। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, 15th अक्टूबर से 9th मार्च तक कितने डेज होते हैं, है ना। तो आप कैलेंडर खोल के देख लेना, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। तो ये टोटल कितने डेज मैंने यहाँ पे लिख रखा आपके लिए, 17 डेज अक्टूबर में, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 9 डेज। 9 डेज क्यों, क्योंकि 9 मार्च तक की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये टोटल 6 मंथ की बात कर रहे हैं, 6 मंथ में टोटल इतने डेज होते हैं। अब जितने भी डेज होते हैं इनको काउंट कर लेते हैं, कितना काउंट किया करके देखते हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके, लेट्स सी हाउ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रिंसिपल है आपका 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और जो टाइम है वो 146 डेज हैं। मैंने बताया था, डेज वापस से बता देता हूँ, अक्टूबर पे आपके बचे थे 17 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में अगेन 31 डेज, फरवरी में 28 डेज और लास्ट 9th मार्च तक 9 डेज। इनको जब आप काउंट करोगे तो कितना जाएगा, 146 डेज, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सॉल्व कर लो, प्रिंसिपल कितना है 9600, रेट है 15%, टाइम है 146 डेज। अब डेज है, मैंने बेसिक की वीडियो बताया, अगर डेज होगा तो अपॉन क्या आ जाएगा, 365 और अपॉन 100 भी तो आना है क्योंकि ये पहले से था, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 00 कैंसिल, ये 00 कैंसिल, 5 के टेबल से कट करके देखें, 5 3 15, 5 7 35 बचा 1, 5 3 15। अब कौन सी टेबल से कट हो रहा है, 7 and 3 10, ये प्राइम नंबर है, करके देखते हैं एक मिनट। तो देखो ये 73 का डबल होता है, 73 1 73, 73 2 146 होता है ना। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 96 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, 2 3 6, 6 6 36, कैरी ऑन 3, 6 9 54 प्लस 3 54 55 56 57, 576 रुपीज़ आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। बस यही कंडीशंस है। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं नाउ। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है। राम ने बोरो किया 6000 बैंक से, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया 6000, है ना। टाइम कितने दिन के लिए, 2 साल 4 महीने, मतलब 2 years 4 months। अब ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं टाइम की जगह, तो क्या लिखोगे, ये ऑलरेडी मंथ में, इसको ईयर्स को मंथ पे कन्वर्ट कर लो। तो 1 साल में 12 मंथ, 2 साल में 24 मंथ, 24 मंथ + 4 मंथ कितने मंथ हो गए, 28 मंथ, ठीक है। देखो ध्यान से, 6000 प्रिंसिपल, 28 मंथ क्या हो गया टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ही हैज टू रिटर्न। इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, इसमें क्या निकालना है, अमाउंट, मतलब राम ने इतने पैसे लिए,
अब वो जमा कितने करेगा, चलो करके देखते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लेट्स सी हाउ। तो देखो आपका जो प्रिंसिपल है वो है 6000, इतने ही था ना। रेट है आपका 18%, टाइम है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ, मतलब 12 + 12 + 4 दैट इज 28 मंथ, ठीक है। अब देखो अमाउंट निकालना है, ध्यान रखना है यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट का मतलब मैंने बेसिक वीडियो पे बताया था, टोटल पैसे जितना लिया रिटर्न कितना करेगा, वो लिया तो 6000 था, रिटर्न कितना करेगा। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या कंडीशंस लानी पड़ेगी, ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में फीड किया, प्रिंसिपल है आपका 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और टाइम कितना है 28 मंथ। अब देखो यहाँ पे डेज था ना, तो डेज में आपने क्या किया, अपॉन 365 लिखा था ये, है ना। तो यहाँ अब देखो नॉर्मल ईयर होता तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मंथ है तो 28 अपॉन जितने भी मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ कर दिए, है ना। अपॉन 100 भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया, 0 0 कैंसिल, 12 का टेबल, 12 1 12 12 5 60, मल्टीप्लाई कर लो रफ कॉलम पे, 28 का मल्टीप्लाई 18 से करना है, 8 8 64, कैरी ऑन 6, 8 2 16 +6 22, अगेन 1 8 8 1 2 2, तो ये हो गया 4 10, कैरी ऑन 1 5 0 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 4 20, कैरी ऑन 2 5 5 25, 2 5 2 0, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 × 18 × 28 इक्वल्स टू 2520। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट से आप क्या समझते हो, बैंक से लिया उसने 6000, जमा कर रहा है कितना इंटरेस्ट, ब्याज इतना दे रहा है ना। तो आपको क्या निकालना है अमाउंट, मैंने बेसिक में फॉर्मूला बताया था अमाउंट का, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो देखो लिया उसने कितना था 6000 प्लस ब्याज कितना देगा 2520, इन दोनों को प्लस कर लो तो 0258, ये क्या हो गया आपका अमाउंट जो आपको फाइंड आउट करना है। ओके दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है बस, और कुछ भी नहीं, सब कुछ गिवन है, समझना बस है एक्चुअल पे है क्या। देखो गिवन है आपके पास 6000 फेचेस एन इंटरेस्ट ऑफ ₹630, मतलब 6000 आपने जमा किया उसमें इंटरेस्ट कितना मिला 630, ये इंटरेस्ट है। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट पे, देखो पी फॉर प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये 14 मंथ क्या हो गया टाइम, तीन चीज़ें गिवन है, चौथी इजी निकल जाएगी। ध्यान से देखो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल आपके पास है कितना 6000, टाइम आपके पास है 14 मंथ और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 630, ठीक है। आपको क्या निकालना है रेट, ये निकालना है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ टाइम फिर मंथ में है, अब मंथ पे आता तो क्या करते हो अपॉन 12 कर देना बस, फॉर्मूला वही लिखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना जाएगा 630, प्रिंसिपल है आपका 6000, रेट आपको फाइंड करना है तो आर लिख दो, टाइम कितना है 14 मंथ है तो अपॉन 12 और अपॉन 100, ठीक है। ये देखो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 12 1 12 12 5 60, आपके पास बच रहा है 630 इक्वल्स टू 5 × r × 14, यही बच रहा है। अब देखो नंबर नंबर वन साइड, ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, तो 630 अपनी जगह है, डिवाइडेड बाय 5 × 14 इक्वल्स टू, यहाँ r बचा, कट हो रहा है, यस हो रहा है, 5 1 5 5 1 5 कितना बचा 1, 13 5 2 10 बचा 3, 30 5 6 30, अब 14 का टेबल, 14 के टेबल में 126 कितने टाइम्स आता है, 14 9 1 26 होता है, आई थिंक सो, यस 14 1 14 14 9 1 26, तो रेट कितना आ गया, रेट हमेशा परसेंट पे होगा,
9%, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस पे, है ना। इसमें एक क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं, कोई भी आपको पहले तो गाइड कर देता हूँ। इसमें देखो अगेन 5250, इसमें ये प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ मैं, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है 2 years 8 months, तो कितना हो गया टोटल, ये ईयर्स मंथ पे कन्वर्ट कर लो, 24 + 8 = 32 months, मंथ है तो अपॉन 12 कर देना, बस ये आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन देख लो, 1 lakh rupees क्या हो गया, ये प्रिंसिपल, सॉरी 1 lakh है, 1 lakh 10,000, 10,000 lakh, यस 1 lakh प्रिंसिपल है, ओके मैं ये बता देता हूँ सी वाला, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है। देखो वो बोल रहे हैं 1 lakh जमा किया, 1 lakh से कितना हो गया 2 lakh 40,000 आफ्टर 15 years, ठीक है, जमा किया 1 lakh, अमाउंट्स टू, ये क्या हो गया अमाउंट, और ये टाइम, ध्यान से देखो 1 lakh अमाउंट्स टू 2 lakh 40,000, तो ध्यान से देखना सी वाला क्वेश्चन है, ये सी वाला क्वेश्चन है, अमाउंट कितना 2 lakh 40,000, प्रिंसिपल कितना है, जमा कितना किया था 1 lakh, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, टाइम कितना लिखा है क्वेश्चन पे 15 years, फाइंड क्या करना है रेट। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, कॉमन सेंस ही बात है, अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना, निकालो कैसे। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए देखो यहाँ पे 3 चीज़ें गिवन थी, 1, 2, 3, चौथी चीज़ हम इजी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी चीज़ें गिवन है 1, 2, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में नहीं आता। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है 2 lakh 40,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1 lakh प्लस सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स वन साइड, ये यहाँ आ जाएगा, तो 2 lakh 40,000 माइनस 1 lakh इक्वल्स टू ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को माइनस किया कितना बचेगा 1 lakh 40,000 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो एक चीज़ और मिल गई आपको, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल गया। अब यहाँ पे लिख दो फॉर रेट, रेट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 lakh 40,000, प्रिंसिपल 1 lakh, रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है नॉर्मल ईयर्स है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं लिखना, 15 upon 100, 0 0 कैंसिल, ये देखो आपके पास क्या बच रहा है 1 lakh 40,000 इक्वल्स टू 1000 इंटू आर इंटू 15, नंबर्स वन साइड, ये नंबर्स मल्टीप्लाई पाएंगे तो डिवाइड हो जाए, सॉरी इस तरफ आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 lakh 40,000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू रेट, तो 3 zeros कैंसिल कर लें, 1, 2, 3 zeros कैंसिल कर लिया। अब 15 का टेबल देख लेंगे, 15 की टेबल में 140 कितने टाइम्स आता है, नहीं आता, 15 9s कितना आता है 135, 15 9s 135 होता है, बचा कितना 5, 15 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो पॉइंट लगा दो 50 हो गया, 15 3s 45, अब कितना बचा, फिर 5 बचा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, फिर 0 लग गया, फिर 15 3s 45, तो ये ऐसे ही आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिख दो कि आपका जो रेट है वो कितना आ गया 9.33%। तो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी भी देख लो आप, डी में शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन वापस मिले, नहीं है, देखो डी में वो बोल रहे हैं 4500, तो ये आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम 3 year 4 month, अब मंथ भी जुड़ा हुआ तो 3 years में कितने मंथ हो गए 12 12 12 36 + 4 कितने 40 month, तो ये वाला क्वेश्चन, और ये अपॉन इसमें क्या लगा दोगे 12, सेम क्वेश्चन है। ई वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, चलो थर्ड का ही, क्योंकि इसमें देखो ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम में क्या दे दिया उन्होंने, डेज दे दिया है। अब डेज में अपॉन 365 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी,
हाँ सेम क्वेश्चन है, डेज में जैसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, अपॉन 365 करना है बस। हाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये सिम प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, अपॉन 365 कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। ओके तो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं न्यूएस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन विच, टाइम फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ रेट फाइंड करना था, यहाँ टाइम फाइंड करना है, कोई भी तीन चीज़ें मेरे पास हो बस। देख लेते हैं, देखो 12,000 इन्वेस्ट किया मतलब 12,000 जमा किया, तो ये 12,000 क्या हो गया प्रिंसिपल, ये रेट, और इंटरेस्ट कितना मिला 1,800। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, टाइम फाइंड करना है। देख लो प्रिंसिपल मैं लिख देता हूँ कितना है, 12,000, रेट है आपका 5%, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 1,800। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम, बस फाइंड करके देखते हैं। से ध्यान से देखना है, क्वेश्चन समझना चाहिए। देखो फॉर्मूला तीन चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो उसी का फॉर्मूला लगा दो, जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगा लो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,800, तो 1,800 इक्वल्स टू 12,000 प्रिंसिपल था, रेट है आपका कितना 5% इंटू टी फॉर टाइम लिख दिया जो मुझे फाइंड करना, अपॉन 100। 0,0 कैंसिल, और कुछ कट नहीं हो रहा, आपके पास बचा 1,800 इक्वल्स टू 120 इंटू 5 इंटू टी, नंबर्स नंबर वन साइड, ये डिवाइड पे आ जाएंगे, तो 1,800 अपॉन 120 इंटू 5 इक्वल्स टू टी। 0,0 कैंसिल, 12 का टेबल पढ़ लें, 12 वन ज़ा 12 बचा 6, 60, 12 5 ज़ा 60, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया आपका। देखो टाइम 3 ईयर्स। ओके ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ का ए, बी वाला देख लो। अगेन ये प्रिंसिपल मैं लिख देता हूँ, आपको बहुत इजी पड़ेगा उसमें, है ना। ये आपका प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका रेट, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है ए और बी, आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। सी वाले में देखो, अगेन प्रिंसिपल, ये रेट, और ये सिंपल इंटरेस्ट, ए बी सी तीनों सेम है, ठीक है। देन डी वाला देख लो, अगेन प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट, यस ये भी सेम है, 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी पूरे सेम क्वेश्चन है। ई वाला मैं बता देता हूँ, ई वाले में बोल रहे हैं एक अमाउंट है जो डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13 1/3%। देखो तो ये देखो क्वेश्चन है, एक अमाउंट है जो डबल हो जाता है अपने ही से, मतलब अपने आप से, जैसे सपोज 1,000 लिया तो 1,000 डबल हो गया कितना हो गया 2,000, है ना, डबल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13 1/3% सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, इजी भी है समझना भी है, ये क्वेश्चन नंबर ई है ना। तो यहाँ पे लेट प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल को मैं ₹100 ले लेता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया 100, अब डबल हो गया तो कितना हो गया 200 क्या है, ये अमाउंट बन गया, अमाउंट कितना हो गया ₹200। एक अमाउंट आपने लिया 100, तो ये 200 हो गया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं 13 1/3%, कितना 13 3 ज़ा 39 and 1 40 upon 3%, मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में किया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, टाइम। टाइम निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो पहले अमाउंट गिवन है तो उसका फॉर्मूला लगा लो। देखो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है 200, प्रिंसिपल है 100, ये प्लस SI, नंबर्स नंबर वन साइड, 200 के पास क्या गया 100, तो माइनस में हो गया, इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, 200 माइनस 100, 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब यहाँ पे लिख दो फॉर टाइम, टाइम निकाल लो। देखो फॉर्मूला लिखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 100 आया, तो 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, वो भी 100 ही है, रेट 40/3 है, तो 40/3 इंटू टी अपॉन 100। ये देखो 100 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, ध्यान से देखना, इसी के आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ जो बच रहा है
वो है 100, इसी के आगे सॉल्व किया है, 100 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 3। अब ये कुछ भी कट नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 का 3 से किया तो 300 इक्वल्स टू 40 टी, नंबर्स वन साइड, ये 40 यहाँ आ जाएगा तो 300 40 मल्टीप्लाई पे तो डिवाइड में 40, 0 कैंसिल इक्वल्स टू टी। अब 30 अपॉन 4 को और सिंप्लीफाइड कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 होता है, बचा 2, 4 के टेबल में 2 नहीं आता तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। अब 20 हो गया, 4 × 5 = 20, तो यहाँ आपका टाइम कितना आ गया, 4.5 ईयर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, देन वी विल मीट इन क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।